एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज सुबह सुबह नसीब हुआ है हमें, इधर गिर जाता है ये नूडल्स। तो आई डोंट नो मम्मी ने नूडल्स क्यों दिए हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मिल गया नूडल्स, खा लेंगे। बाकी मम्मी ने बोला है कि पहले तुम ये खाना इंजॉय कर लो, फिर बाद में तुम्हारे पीठ पर पड़े। ऑल दो मेरा पेट दुख रहा, पता है नहीं, मेरी मम्मी ये सब कॉमेडी में भी बोलती है, अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो बच जाऊंगी, और अगर लाइक एवरेज वाला मार्क्स आ गया, क्योंकि बुरे मार्क्स मेरे आते नहीं है इतने, ओके आते, कोई मार्क बुरा नहीं होता है गाइस, याद रखो, कोई भी मार्क बुरा नहीं होता है। एग्जाम अ सिंगल शीट ऑफ पेपर डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, एक्चुअली डज, बट अभी थोड़ा सा ऐसे मोटिवेशनल बनने के लिए हम लोग बताएंगे कि इट डज नॉट, एक्चुअली इट डज, क्योंकि 10th 12th के मार्क्स ही तो जॉब इंटरव्यू में इम्पोर्टेंट होते हैं, तो या वही इसलिए बोला मैंने। बाकी चलो ये खाते हैं, एक्चुअली ये मैगी नहीं है, ये वो शेजवान वाला नूडल्स है चिंग्स का। जो कि ओके इश लगते हैं मेरे को, इतने बुरे नहीं लगते। अभी ये अभी ये ख़त्म करूँगी खाना, फिर एक्चुअली हम लोगों का आज प्लान है आयू को सुला देना, फिर जाना। अभी फ़िलहाल मम्मी गई नहाने और आयू है आंटी के घर, ताकि मैं आराम से खाना खा लूँ। तो मैं खाना खाने के बाद आयू को लेकर आऊँगी एंड मम्मी तब तक रेडी हो जाएगी। रेडी होने के बाद मम्मी आयू को सुलाने वाली है, क्योंकि हम लोग आयु को बस नहीं लेना चाहते यार, मन नहीं है हमारा आयु को लेने का, इसलिए हम लोग आयु को नहीं लेना चाहते। तो हाँ, इसी रीज़न के वजह से मम्मी आयु को सुला देगी। फिर मेरे स्कूल थोड़ा दूर है, तो जाने आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, जाने में भी टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा, बस उधर रहकर पेपर वगैरह देंगे ना, बहुत कम टाइम लगता है। तो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, क्योंकि उधर हम लोग 15 या फिर 20 मिनट हार्डली रहने वाले हैं। पेपर देखना है, पेपर्स के फ़ोटो ले लेने हैं, और बस टीचर को हेलो हाय करके भागाना है। तो हाय एवरीवन, सो अभी बज रहे हैं 7:30, और कल का वीडियो मैंने अभी तक एडिट नहीं किया, वो मुझे करना है। और मम्मी अपने प्यारे बेटे का कंप्लेन जरा कर दो, क्योंकि ये आपके मुँह से रेयरली निकलता है। रियली क्या इतना बदमाशी कर रहा है, ये फ्रेंड्स लोगों को दिखा दो, उसके सर पे कल एक जगह लगा रात को, आज एक जगह लगा और हैप्पी हो रहा है, देखिए वो काला काला दिख रहा है। कल या बेड में ना खुश होके इधर उधर ऐसे घूम रहा है, जैसे कि चारों तरफ गद्दा ही डाला है, इसके लिए पूरा घर में गद्दा। हाँ, जितना बदमाशी ये कर रहा है। और आज हम इसके चैनल का एक वीडियो बनाने में अनसक्सेसफुल रहे, बहुत अनसक्सेसफुल रहे, क्योंकि हमारा आयु, पहले तो हम लोगों ने आज उसको कृष्णा बनाया था, ठीक है, तो कृष्णा बना था, रेडी वेडी हुआ, कितना रोया, बहुत चिड़चिड़ हो गया, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ हो गया। एक बार कपड़ा उसका पूरा निकाल दिया, सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक देते हैं इसको, फिर बाद में पहनाएंगे, बाद में पहनाया, बाद में भी तेजू भैया को इसका बुलाया, क्योंकि श्रेयांश नहीं है, फिर भी ये बच्चा नहीं रहा, मतलब अच्छे से हमें ना फोटो उठाने दिया, ना अच्छे से रील्स बनाने दिया, ना कुछ करने दिया अच्छे से। ओ हाँ, क्या बोल रही थी मैं, कुछ हमें शूटिंग नहीं करने दिया, तो मम्मी ने गुस्से से इसको डांटा है, और मुझे अभी भी इसकी शक्ल देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आयु थोड़ा तो कोऑपरेट करना सीखो। अभी यहाँ लगा, अभी दवाई खिलाई, सारी जगह उल्टी कर दिया, मतलब इतना बदमाश, इतना बदमाश बच्चा कैसे हो सकता है? इसको बाहर ही घुमाना है, बाहर घूमना है, डॉगी देख के खाना खाना है। अभी फिर जाएगा, जो माइक देख रहा है मेरे पास है नहीं, अभी फिर जाएंगे महाराज। हाँ, नहीं अभी, हाँ अभी उल्टी किया, अभी फिर मुझे खिलाना पड़ेगा। चुप चुप बुढ़ा, छी नाक से घी निकल गया, वीडियो में भी एक कैप्चर हो गया, छी आयु। खाली बहाना दे रहे हो, कुछ तो नहीं पता चल रहा, ना टेम्परेचर है ना कुछ है, क्या जुखाम, क्या सर्दी है, कुछ तो नहीं हुआ है, नोजिया आ रहा है ना, आज रिजल्ट दे दो एक खुश होके दे रहा है। अरे ओले मेरा क्यूटू, और दे दो, और दे। आज रिजल्ट स्कूल गया था रिजल्ट देखने,
आप लोग बोलते हो रिटर्न ये करो, लेकिन रिविजन कैसे करेंगे, वो कॉपी तो स्कूल में ले ही जाते हैं, उधर थोड़ी ना वीडियो बना पाएंगे। और रहा अगर हम रिजल्ट का भी फोटो आप लोगों को दिखाएंगे तो अभी उसमें उसका नाम वाम सब आ जाएगा, तो इसीलिए नहीं दिखा पाते हैं। तो अच्छा आया है, लेकिन मैथ में जितना मुझको उम्मीद था प्रियांशी इस बार इम्प्रूव करेगी उतना हुआ नहीं, वही एज यूजुअल। और बाकी सब्जेक्ट में ठीक है, मैथ में नहीं खराब नहीं है, सर बजा दिया, अच्छा नहीं सर। फिर बजा इधर मेरे टेबल के कोने में। बुरा दिन नहीं है, ये ही बुरा है। नहीं, देखो तो कैसे चूहा की तरह मुंह बना रहा है। ये एक चूहा और मेरी दोस्त सूर्यानी एक चूहिया, दोनों के दोनों मेरे को चूहा और चूहिया की तरह दिखता है, पता नहीं क्यों। देखो इसको गौर से देखो, इसकी शक्ल को चूहा नहीं बोलेगा एक इंसान तो क्या बोलेगा इस गधेड़ू को। उसका कितना सुंदर मुखड़ा है, चांद का मुखड़ा, मेरे को तो चूहे का मुखड़ा लगता है ये तो। दाग ही लगा देता है काला काला। हाँ, चांद के सरफेस पे भी बहुत दाग होता है ना, इसलिए इनके भी मुंह पे बहुत ज्यादा दाग है। So, अभी बज रहे हैं 22:36। 22 कितना होता है, 10। 10:36 अभी बज रहे हैं। अब मम्मी से मैं डांट सुन चुकी हूँ क्योंकि स्कूल का ब्लेजर आके मैंने ऐसे ही बेड पे फेंक दिया था, और अभी तक मैंने कल का वीडियो एडिट नहीं किया। आई एम श्योर वो अभी थोड़ी देर बाद ही हो जाएगा, 11:15, 11:20 तक, 11:30 मैक्सिमम उतना तक हो जाएगा। सोच रही हूँ पहनूँ किसी से, इसलिए निकाला है। दो ये होगा ना, मुझे अभी भी हो रहा है। हाँ होगा, अच्छा वाला टॉप है, आंटी ने दिया, मैंने कभी पहना ही नहीं। छोड़ो, क्या बोल रही थी मैं। हाँ, तो कल मुझे मेरा रूम पूरा साफ करना है, मेनली मेरा कबर्ड, क्योंकि आपको अगर अभी मैं मेरा कबर्ड दिखाने भी जाऊँ तो आप आपके फ़ोन के स्क्रीन को देख के ही आपको उल्टी आ जाएगी, तो इसलिए मैं अभी दया करके नहीं दिखा रही हूँ किसी को मेरा कबर्ड, क्योंकि हर एक चीज़ ना इधर उधर पूरा बिखरा हुआ है, कुछ भी ऑर्डर में नहीं है, इसे सपोज ना थोड़ा सा नहीं ऑर्गेनाइज, वो कवर्ड ऑर्गेनाइज के लिए आता है थोड़ा सा, बट जो जितना भी मेरे को मेरी मम्मी खरीदतेगी मेरे कवर्ड को साफ करने के लिए, मेरे से कभी नहीं होने वाला। तो यू नो देयर इज अ थिंग कॉल्ड कि मेरे कवर्ड में साफ नहीं रखूंगी, मतलब नहीं रखूंगी, या ये चीज में शायद अभी हो रही है। तो हाँ, बस अभी ये लो उतना ही। आयुष सो गया है आज, परेशान कर करके जिस तो लेवल में उसने हमें परेशान किया है आज, जस्ट एक फोटोशूट के लिए, है ना मम्मी। कल भी करना पड़ेगा वो फोटोशूट फिर से, कल फिर रूम साफ करना है, होमवर्क नहीं, होमवर्क कल परसों करने से भी चलेगा। हे भगवान, तो कल होमवर्क भी करना पड़ेगा, उठा ले रे बाबा। देखो तो बीएमसी वाले काम करते हैं, ये हमारे स्कूल से दिया था कुर्ता, ठीक है, मेरी मम्मी को ये बीएमसी वाला जैसा लग, मुझे भी लगता है वो अलग बात है, कोई स्कूल का बंदा देखे। हाँ, आपका कुछ वो मुझे अभी भी ढीला, उसको और थोड़ा टाइट करो। कितना टाइट करूंगी, एक्सेल साइज कभी स्मॉल में हो सकता है, और अगर स्मॉल में भी कर दो तो उसका गला का जाएगा ना, ढीला कमर तुम टाइट कर सकते हो, यही होता है प्रॉब्लम। अभी फिर नया वाला स्कूल की तरफ से, ये भी 600 के दोनों, ठीक है। छोड़ो, ज्यादा बकबक करूंगी तो स्कूल वाला बंदा कोई दिखा दो आपके क्या बोलते हैं इसको, हृदय को शांति मिले। खरीदी थी ना कॉलिन, दे दे के प्रियांशी चमका रही थी अपना गुर्जर पहले 2-3 दिन में। अभी अभी देख लो, खोल के दिखाओ ना सबको थोड़ा सा नजारा। हे भगवान, कितना सुंदर है, दुनिया का सबसे सुंदर चीज है ये, है ना। अगर हुआ तो मेरा वीडियो अभी थोड़ा बहुत है, और कितना कस्टमर टोटल हुआ तो मुझे याद नहीं, 2 हुए थे शायद से। हाँ, एक कस्टमर का मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म है, और एक का हो रहा है, वो सबका मुझे हैंगर पे अरेंज करना है, नहीं किया मैंने, वो सब करना पड़ेगा। तो अभी जस्ट मेरा एडिटिंग हो जाए, थोड़ा सा काम शुरू कर देंगे आज, बाकी क्योंकि कल एक दिन में सारा तो नहीं हो पाएगा।
क्यों डांटती हो, मुझे क्यों डांटती हो इतना? मेरे को दुखी नहीं लगता कि आपको क्या लगता है? मैं पत्थर हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ ना। पापा उधर टीवी देख रहे, इसलिए अभी आपको साउंड हो रहा है। इस घर में मैं शांति से व्लॉग भी नहीं बना सकती, बट इसी फैक्ट को इग्नोर करते हुए हम लोग आज का इस व्लॉग को एंड करने वाले। कितना नाटक कर रही हूँ मैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग टिल द एंड। अगर पसंद आया क्या मजा, उसे एसी में छोड़ो। या सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए फिलहाल मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, बट वी डोंट केयर।